हेलो मूडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मूडी गाय। एंड आज मैं करने जा रहा हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के 1.19 अपडेट में स्पीड रन, वो भी उसके ट्रेलर वाले ओरिजिनल टेक्सचर पैक्स में। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो है मेरी 100th वीडियो, शॉर्ट्स और बाकी सारी वीडियोस को मिलाकर। एंड जिन्हें नहीं पता है कि स्पीड रन होता क्या है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग बेसिकली गेम को बीट करते हैं एंडर ड्रैगन को मार के। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले मैं वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं स्पीड रन करूँगा। सो मैंने सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर दिया एंड मैं इस वर्ल्ड का नाम रखूँगा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग स्पीड रन, बस यही होगा इसका नाम, एंड क्रिएट कर दूँगा। वैसे गाइस, अभी आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो या मैं अब आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में। एंड यप, सॉरी गाइस, बटन्स वगैरह हाइड हो गए थे मैं जब इंट्रो दे रहा था, इसीलिए। ओके, सो मैं आ चुका हूँ इस जगह पर। एंड पता नहीं ये कौन सा बायोम है, आई थिंक ये स्प्रूस वाला बायोम है, टाइगर बायोम। एंड गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा स्प्लिट वगैरह का यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा कट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वो 1 घंटे की बन गई थी, तो उतनी बड़ी वीडियो को अपलोड करने के लिए मेरे पास इंटरनेट तो है नहीं, एंड आप लोग देख भी नहीं पाओगे, सब कोई बोर हो जाएंगे। सो या इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो करना चाहूँगा नहीं। सो वही स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिक टूल्स वगैरह बनाना वुड को लेकर। मुझे स्टिक्स एंड लॉग्स वगैरह मिल गई है, उसको मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दूँगा, जैसा कि मैंने अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की थी तब किया था। एंड जिन्होंने मेरी सर्वाइवल सीरीज नहीं देखी है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग आई बटन पर जाओ एंड इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पर क्लिक कर देना, मतलब वो प्ले लिस्ट रहेगी, तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा एंड या तुम लोग इन्जॉय कर सकते हो। सो या गाइस, अब मुझे मिला एक घर जो कि पूरा अबैंडेड है एंड यहाँ शायद ज़ॉम्बी विलेजर्स रहते होंगे। एंड सो सॉरी गाइस, वीडियो को अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी एंड मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो या एंड जो भी नॉइस वगैरह आ रही होगी बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर के बगल में काम चल रहा है। एंड या आप लोग समझ सकते हैं प्रॉब्लम, वैसे तो मेरी हर वीडियो में ही नॉइस आ ही जाती है, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पे दो प्यारे प्यार से टर्टल्स थे जो कि हट गए। एंड ये ज़ॉम्बी विलेजर कितना ज़्यादा तेज है, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी दिन है तो एकदम मेरे पास नहीं आ रहा है, धूप से बचने के लिए छत के नीचे पड़ा हुआ है। वैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं जब गेम को पॉज कर रहा हूँ तो वहाँ पे माइनक्राफ्ट बेयर बोन्स लिख रहा है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं माइनक्राफ्ट नहीं, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग ही खेल रहा हूँ, बस उस टेक्सचर पैक को लगाने से ऐसा हो रहा है। एंड मैंने साथ ही साथ एक शेडर भी डाउनलोड किया है। अगर आप लोग को भी मतलब इस टेक्सचर पैक आप लोग ढूंढ रहे हैं इसको, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एंड बस सो मैं तो लेगिंग्स पहन रहा हूँ एंड वाओ, मुझे डायमंड्स भी मिल गए उस घर से। एंड अब मुझे थोड़ा आगे जाना चाहिए। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल को रख कर यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बूट बनाऊंगा गोल्ड का। ओके, सो नहीं बन सकता है, बस मेरे पास 3 ही है, स्टिक्स ही बना लेता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, ड्रैगन को मारने में काम आएगी। एंड या
वैसे गाइज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा इंट्रो वगैरह को, तो आपको पता होगा कि मैंने मतलब नई स्किन बना ली है, जो कि मैं आज इस वीडियो में मैंने पहना है। वो स्किन मतलब मैंने डिलीट नहीं की है, वो गेम में थी तो मैंने उसको हटा दिया एंड पता नहीं वो कहाँ है। मैंने एक नई स्किन बनाई उसी टाइप की जिस पर TMG लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मूडी का है, एंड बस यही सब लिखा हुआ है उस पर। सो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ एंड वाओ यहाँ पे भी एक उसका घर है ब्लैक स्मिथ का। क्या मिलेगा मुझे? ओके गाइस, सो मुझे और डायमंड्स मिल गए हैं, मतलब खजाना मिल गया मुझे। मजा आ रहा है मुझे इतना ज्यादा, मतलब डायमंड किसको मिलता है स्टार्टिंग में। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर जाता हूँ थोड़ा सा और। ओके सो यहाँ पे पम्पकिंस है, सो इनको भी मैं चुरा लेता हूँ क्योंकि ये फ्री की चीज़ें हैं एंड फ्री की चीज़ें मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे कद्दू लेने के बाद। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करके सामान जमा करने के बाद किसे पता है कि मैंने सामान को विलेजर्स के घरों से चुराया है। आपने कुछ सुना तो नहीं गाइस? नहीं सुना ना? हाँ मत सुनना। ओके सो बहुत ज़्यादा मेहनत से सामान जमा करने के और माइनिंग करने के बाद मुझे मिला एक नेदर पोर्टल एंड साथ ही साथ मैंने वहाँ से गोल्ड वगैरह भी चुरा लिया, जिससे मैं पिगलिन काका को प्रसन्न कर सकूँ और उनसे मनवांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकूँ। सो या गाइस अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अब यहाँ तो कुछ रहा नहीं। वैसे ऑब्सीडियन भी मुझे अच्छे खासे मिल गए हैं जिससे मैं नेदर पोर्टल बना सक रहा हूँ, बट उससे पहले मैं माइनिंग करके कुछ ब्लॉक्स जमा करूँगा जिससे मैं वहाँ के नेदर फोर्ट्रेस में जा सकूँ एंड या। सो मुझे बहुत सारे गोल्ड इनगट्स मिल चुके हैं एंड मैं सबसे पहले एक बूट बना लेता हूँ ताकि पिगलिन द्वारा मैं मारा ना जाऊं, नहीं तो अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आएगी कि युवक गया नेदर पोर्टल में, युवक की हुई मौत, पिगलिन ने मारा स्वॉर्ड। हाँ तो फिर थोड़ा बहुत घूमने वगैरह काम करने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से एक जगह पर एंड मैंने स्टार्ट कर दी माइनिंग ताकि मैं फिर नेदर फोर्ट्रेस को चढ़ पाऊँ क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लॉक्स नहीं होंगे इसीलिए। सो या मैं माइन करता हूँ जल्दी जल्दी। ओके सो यहाँ पे आयरन मिला है, सो जल्दी से इसको भी माइन करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे बाद में। गाइज आप देख सकते हैं मेरे साथ चमत्कार हो चुका है, मतलब मैं जहाँ पे गिरा हूँ ना वहीं पे मुझे मिल गए हैं ये वाले ब्लॉक्स एंड ये स्टोन ब्रिक्स वाले ब्लॉक्स। ये बताते हैं कि इसके आसपास हो सकती है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है एंड वहाँ एंड पोर्टल होता है जिसका यूज़ करके मैं ड्रैगन का वध करूँगा। सो या जल्दी से मैं इधर थोड़ा बहुत माइनिंग कर लेता हूँ एंड देखता हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलती है कि नहीं मिलती। सो मैं इधर भी थोड़ा माइन करके देख लेता हूँ आसपास। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं पर हाँ मुझे ये एमिस्थीस्ट वाली केव ज़रूर मिल गई, यहाँ पे मधुर स्वर सुनाई देता होगा आपको। एक सेकेंड मैं एक जगह टॉर्च प्लेस कर देता हूँ। ओके सो देख सकते कितनी अच्छी केव है जहाँ की मैं ऑफ कोर्स नहीं जाऊँगा, मेरा ये सर्वाइवल वर्ल्ड नहीं है। 2000 years later. ओके गाइस सो अभी तक मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं पर हाँ जितने भी डायमंड्स वगैरह मिले थे उससे मैंने पूरा आर्मर कंप्लीट कर लिया एंड मुझे बहुत सारे आयरन भी मिले एंड वाओ मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या डायरेक्ट एंड पोर्टल ही मिल गया। वाओ क्या मतलब एकदम लकी जगह स्पॉन हुआ एंड सबसे पहले मैं स्पॉनर तोड़ देता हूँ यहाँ की एंड एक सेकेंड मैंने एक शवल एंड डायमंड का हेलमेट भी बना लिया। जो भी डायमंड्स मेरे पास बचे खुचे थे मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ एंड लगता है इधर लश केव भी होगी आसपास इसीलिए वो ग्लो बेरीज उगे हुए हैं। सो मैंने सुना है कि एंड पोर्टल में अगर हम लोग नेदर पोर्टल बनाते हैं तो उसके आसपास हमें नेदर फोर्ट्रेस भी मिलता है। सो या मैं ट्राई करके देखता हूँ
कि मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिलता है या नहीं। ओके सो एक सेकेंड, ओके सो एक ऑक्सीडियन मेरा ऊपर ही शायद छूट गया है या क्या हुआ है पता नहीं। ओके सो मैंने उसको ला लिया है एंड अब मुझे करना है इसको एक्टिवेट। एंड जिन्हें नहीं पता हुआ, हम लोग फायर चार्ज की हेल्प से भी नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो या मैं जल्दी से जाता हूँ नेदर पोर्टल में, बट उससे पहले मेरा मन हो रहा है थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का ताकि कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए मुझे। वैसे ये पागल स्केलेटन लोग अपना ही लड़ते रहेंगे एंड दोनों के साथ में लड़ाई हो गई है। पॉपकॉर्न लाओ भाई, पॉपकॉर्न खाते खाते लड़ाई देखने का मजा ही कुछ और है। सो थोड़ा बहुत युद्ध करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ नेदर पोर्टल के अंदर। वैसे मैं एक शील्ड बना लेता हूँ ताकि कोई मेरा वध आसानी से ना कर पाए। ओके गाइस, सो मैं नेदर में आ चुका हूँ एंड मैं अभी बस एक हट पे हूँ क्योंकि विच वगैरह स्पॉन हो गई थी एंड उसने मुझ पे एक पोशन मार दिया एंड मैं नेदर पोर्टल में ही था, मतलब नेदर में पहुँच नहीं पाया था एंड उसने मुझे मेरे ऊपर पोशन चला दिया। सो कोई बात नहीं, मैं एक हट पे, मुझे ब्रेड वगैरह जल्दी जल्दी ठूसना होगा ताकि मैं थोड़ा बहुत सर्वाइव करने लायक हो जाऊँ। सो गाइज मैं इधर आ चुका हूँ एंड वाओ मुझे स्पॉन पर ही एक बैस्टियन मिल चुका है। सो इसको लूटना होगा। सबसे पहले तो मैं कॉबल स्टोन लगा के ऊपर चढ़ता हूँ एंड यप। सो यहाँ क्या मिलेगा मुझे ये तो मुझे पता नहीं है। वैसे ये थोड़ा सा बड़ा ही है बैस्टियन। मैं तो चाहूँगा कि मुझे एंडर पर्ल्स मिल जाए। यहाँ पे पिगलिन है, अच्छा है मैंने गोल्ड का सामान पहना है। सबसे पहले मैं इसको ट्रैप कर देता हूँ ट्रेड करने के लिए। मेरे पास एक गोल्ड है शायद से, पता नहीं कितना गोल्ड है। ओ शिट शिट गाइस, ये जलकर मर रहा है। ओके ओके ओके, गलती से भी अगर मेरे हाथों से इनके ऊपर टच भी हो जाता तो इनकी पूरी सेना आ जाएगी मुझे मार, पूरा खानदान आ जाता है भाई लड़ने पिगलिंस का। सो कोई बात नहीं, इसको भी ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अरे हो जा भाई, इतना क्या जिद्दी आदमी है तू। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब मुझे कुछ और करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ कि अभी ऊपर जाता हूँ एंड एक पिगलिन को ट्रैप करने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो पिगलिन तो हमारा ट्रैप हुआ नहीं, पर हाँ मुझे गोल्ड जरूर दिख गए बैस्टियन में जो कि मेरी ट्रेडिंग करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं इनका गोल्ड इनगट्स बना दूंगा एंड इनका यूज़ करूंगा ट्रेडिंग में, जिससे मिलेगी मुझे एंडर पर्ल एंड मैं जाऊंगा बैश्चन नहीं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढूंगा एंड वहां से मुझे ये ब्लेज पाउडर जिससे मैं बनाऊंगा आई ऑफ एंडर एंड एक्टिवेट कर दूंगा पोर्टल को। इतना मेहनत करना पड़ता है, फुल्ली एक्टिवेटेड पोर्टल नहीं हो सकता क्या? चलो कोई बात नहीं गाइस, अब मैं जल्दी से करता हूँ काम अपना क्योंकि यहाँ पे 100 साल लगेगा इसको तोड़ने में एंड कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे ये भी नहीं पता है। ओके सो मैं जल्दी से लेकिन कलेक्ट कर लूँगा। शायद से वो ब्लॉक नीचे गिर गया या क्या ही हो रहा है, एक ग्लिच चल रहा है भाई, मैं ब्लॉक क्यों नहीं प्लेस कर पा रहा। ओके सो यहाँ पे पहले से ही ब्लॉक है, मुझे क्राउच करके रहना होगा नहीं तो मैं बस एकदम बैस्टियन के टॉप पर हूँ, मैं गिर जाऊँगा एंड ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा स्पीड रन का। मतलब हार्डकोर नहीं है लेकिन तब भी मर जाऊंगा उतना सामान कलेक्ट करने के लिए, फिर से आना पड़ेगा मुझे इतना दूर चल के। तो कोई बात नहीं गाइस, अब मैं उसका जल्दी से वो बना लेता हूँ इनगट्स। जल्दी से बहुत सारे इनगट्स बन जाएंगे मुझे पता है, एक स्टैक तो ऐसे ही हो गए एंड या और हो रहे हैं, इन्हीं का सामान इन्हीं को बेचूंगा मैं। ओके गाइस, सो मैंने इसको जैसे तैसे करके एक पिगलिन को कैद कर ही लिया एंड उसको मैंने सारा गोल्ड दे दिया एंड उसने पता नहीं अभी तक मुझे एंडर पर्ल क्यों नहीं दी है, पता नहीं कब देगा ये। सो मुझे कुछ सालों तक यहीं पे खड़े रहना होगा। 2000 years later. सो गाइस मुझे 15 एंडर पर्ल्स मिल चुकी हैं एंड यहाँ पे कोई पिगलिन नहीं था, मैंने इसको चुपके से मार दिया साइड में एंड या अब मैं बाहर निकल चुका हूँ एंड
अब जाता हूँ इधर। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, सो डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपको नेदर फोर्ट्रेस के पास। सो छोड़िए, मैं बैस्टियन के पास ही आ चुका हूँ। नेदर फोर्ट्रेस तो ढूंढ मेरे घर मतलब बैस्टियन के पीछे ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा लकी स्पॉन मिला है मुझे, मतलब स्पॉन के पास ही मुझे बैस्टियन और नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। मेरे साथ तो पहली बार हुआ ऐसा, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है। चलो बैस्टियन तो फिर भी थोड़ा बहुत पास वगैरह मिल जाता है, लेकिन नेदर फोर्ट्रेस तो कितने 100 ब्लॉक्स दूर रहता है। तो कोई बात नहीं, सो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली ब्लेज स्पॉनर के पास। सो गाइज, ये रहा ब्लेज स्पॉनर, एंड यहाँ स्पॉन हो रही है ब्लेजेस, एंड मैं उनको मार कर जो ब्लेज रॉड होता है उसको मैं कलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो उस टाइम गाइज आपने देखा होगा कि मैं बस हाफ हर्ट पर बचा था। सो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ जल्दी से अपने घर, एंड या मैं स्पॉन हूँगा वहीं पे। ओके गाइज, सो ये अब टाइम आ चुका है कि मैं जाऊँ उस वर्ल्ड में, अपने कौन सा वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में। सो जल्दी से मैं एंडर पर्ल्स, आई ऑफ एंडर मतलब, प्लेस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये गया मैं अंदर, बट सबसे पहले मैं ऑब्सीडियन को हाथ में रख लेता हूँ, मतलब कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक को। एंड या अब मैं क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से एक अपने लिए चेस्ट प्लेट भी बना देता हूँ आयरन की, क्योंकि कंप्लीट आर्मर में ही लड़ना ठीक रहेगा। सो क्राफ्टिंग टेबल को खंड खंड कर देता हूँ, एंड मैं चलता हूँ उस पाखंडी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो पहले थोड़ी पेट पूजा भी मैंने कर ली है, एंड या मैं ओके स्पॉन हो चुका हूँ। एंड सबसे पहले मैं उधर जाऊँगा, मैं ब्लॉक्स प्लेस नहीं करूँगा, मेरे पास एंडर पर्ल्स हैं ही, मैं उसको फेंकूँगा। ओके सो एंडर ड्रैगन, मैं आ चुका हूँ तुम्हारा खात्मा करने के लिए। एंड पता नहीं मैं कितनी बार एंडर ड्रैगन को मार चुका हूँ, वैसे मैंने एक बार 20 बार भी एंडर ड्रैगन को मारा है एक ही वीडियो में। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मेरे साथ ड्रैगन ना, इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ। सो गाइस, उस टाइम मैं मर गया था, एंड पता नहीं एंडर ड्रैगन डिस्पॉन हो गया, गायब हो गया, जो कह लीजिए। सो या मैं आ चुका हूँ क्रिएटिव मोड में, मैं एंड स्लैश किल का यूज़ करूँगा कमांड का, एट द रेट ए ओके। सो मैं @ए को क्लिक कर दूँगा, एंड फिर लिखूँगा ए का मतलब। ओके सो मैंने ए को डाल लिया, एंड प्लेयर्स कैन नॉट बी किल्ड वाइल दे आर इन क्रिएटिव मोड। शिट शिट शिट, स्लैश किल @ई ऑल एंटिटीज, ये सही होगा, सभी मर जाएंगे। आसपास अगर एंडर ड्रैगन होगा तो वो भी मर जाएगा, जिससे पोर्टल तो खुलेगा बट मैं कमांड की हेल्प से उसको स्पॉन कर दूंगा। कमांड क्या, इसी से स्पॉन कर दूंगा। मेरे हाथ में ये जो है एंड क्रिस्टल, सो आई थिंक वो नहीं मरा है, बस एंड क्रिस्टल्स फूटे हैं। एक बार मैं ट्राई कर देता हूँ गाइस, इसी से मतलब यही सब प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लाइक एंडर ड्रैगन कहाँ गायब हो गई। ओके, इतने सारे एंटिटीज मारे गए हैं। सो गाइस, मैंने कमांड की हेल्प से समन कर दिया है एंडर ड्रैगन को, एंड
अब मैं उसे मारूंगा। तो कहाँ चल गई है, मैं सर्वाइवल में ही हूँ, उसको मार दूंगा जल्दी से। ओके तो मारना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैं फिर से क्रिएटिव मोड में आ चुका है एंड इस बार फिर से एक कांड हो गया। मतलब वो जो ड्रैगन जो खो गई थी ना वो भी दोबारा लौट कर आ चुकी है। तो अब मुझे एक को क्रिएटिव मोड में मारना होगा। तो या मैं जल्दी से एक को मार देता हूँ फटाफट क्रिएटिव मोड में। सो गाइज मैंने एक को तो मार दिया है क्रिएटिव मोड में, ड्रैगन को दोबारा से मारने की। तो जल्दी से मैं मारता हूँ, एक सेकेंड मैं फूड खा लेता हूँ बिकॉज मैं अभी दो हट पे हूँ एंड कोई भी मुझे मार देगा बढ़िया। तो मैं फूड खाऊंगा। या गाइस मैं फिर से मर चुका हूँ। सो मैं फिर से क्रिएटिव मोड में आ चुका हूँ एंड एंडर ड्रैगन फिर से गायब हो गई है। सो उसको फिर से स्पॉन करना होगा कमांड की हेल्प से। पहले तो कुछ देर मैं रुक जाता हूँ, देख लेता हूँ आती है कि नहीं आती है कुछ देर। गाइस मैंने उतने सारे एंडर ड्रैगन्स को तो मार दिया था पर वो सब मतलब गायब हो गए थे एंड सर्वाइवल मैंने हाफ हाफ एचपी तो सबकी कम की थी ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक ड्रैगन को मार दिया उनको भी देख पा रहे होंगे नहीं है। मैं खेलता हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग, बस टेक्सचर पैक के चलते यहाँ पे बेयर बोन्स लिखा हुआ है एंड यप। सो यही थी आज की वीडियो एंड ये पता नहीं क्या क्या लिखा रहा है स्क्रीन पर। इट इज रीडिंग आवर थॉट्स एज दो दे वेर नॉट वर्ड्स, पता नहीं क्या था। सो ओके गाइस फाइनली कर लिया है मैंने गेम को बीट एंड सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हो चुका है एंड मैंने गेम को भी बीट कर दिया। मैं चीट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ एंड यप। सो आज का शाउट आउट जाता है डायमंड डाइस गेमर को एंड अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप मुझे मेरी लेटेस्ट वीडियो पर करिए कमेंट एंड आपको मिलेगा शाउट आउट। एंड आप लोग मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जिसकी आईडी है @themoodyguy_official एंड या इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।